पाकिस्तान में बुधवार को नई सरकार के लिए वोट पड़ेंगे। शाम 6 बजे वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के कुछ देर बाद मतों की गिनती शुरू होगी। गुरुवार दोपहर तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव में संभावित हिंसा को देखते हुए पूरे पाकिस्तान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानियों में 25 SP, 50 DSP, 200 से ज़्यादा इंस्पेक्टर समेत ₹35,000 पुलिसकर्मियों के दस्ते तैनात किए गए हैं। हर बूथ पर सेना और रेंजर्स की भी तैनाती की गई है। गौरतलब है कि यहां मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी के पीछे होगा।